ईयर आप देख सकते हैं बड़ा प्यारा बैड है, 1,27,000 के ना लिया, लेके जा रहे हैं। ये माशाल्लाह जोड़ी बकरों की है, एक ये है दूसरा बकरा ये है, ये 1:30 की जो है इन्होंने खरीदी है। बारिश आ रही है, बारिश से अपने जानवर को बचाने के लिए ऊपर उन्होंने तप्पड़ डाला हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये जानवरों के ऊपर तप्पड़ डाल रहे हैं, इन्होंने छापर डाला हुआ है। ये कसूर मंडी के मंजर है, आप देख सकते हैं हवा चल रही है, बारिश आ रही है, लोगों के जानवर खड़े हुए हैं, बारिश आंधी बहुत तेज है। साथ माशाल्लाह ये साथ उन्होंने ऊंट भी खरीदा है 4 लाख का, 1:27 को उन्होंने बच्चा खरीदा है और साथ 4 लाख का ऊंट खरीदा है। माशाल्लाह ये लेके जा रहे हैं, आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत ऊंट है। ये भी आप देख सकते हैं खुड़िया खास से तलवंडी से आए हैं ये लोग, 2 कट्टे लेके, इनका कहना है हम इस जो ये कट्टा है इनका 2 लाख मांगते हैं। ये जो आपको साथ वाला कट्टा नजर आ रहा है इसका 1.5 लाख मांग रहे हैं, बड़े खूबसूरत इनके कट्टे हैं। मंडी में आज काफी रश लगा हुआ है, जोक दर जोक लोग आ रहे हैं, गाहक आ रहे हैं, जानवर खरीद के जा रहे हैं। आपको हमने दिखाया काफी लोग जो है जानवर खरीद के लेके जा रहे हैं। आज संडे है, एतवार है, 3 दिन बाकी ईद में है, तो एतवार लोगों को छुट्टी भी है, तो हर किसी का कहना जिसने कुर्बानी करनी है आज हमें छुट्टी है तो क्यों ना हो हम ईद के लिए अपना जानवर परचेज करके ले जाएं, खरीद के ले जाएं। ये माशाल्लाह बड़ा प्यारा बुल है, आपको नज़र आ रहा है बड़ा खूबसूरत है, हम इसके मालिक से बात करते हैं। ये व्यूअर हाफिज वसीम साहब हैं, ये कह रहे हैं हमने ये कट्टा माशाल्लाह बड़े शौक से बड़े प्यार से पाला है, 10 मन इसका वजन है, तो हम इसका इनका कहना है जी हम इनका 4 लाख मांगते हैं, तो इनका लगता है 3-3.5 तक लगा, हम अभी नहीं दे रहे, हमारी कोशिश है 4 का बिक जाए। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत जो है बुल है। ये भी वह बादल भी आ रहा है बड़े जोबन से, आप देख सकते हैं मंडी के मनाजर, बादल काली कटाएं आ रही हैं, बारिश का मकान भी है, साथ आंधी भी है, आप देख रहे हैं तो मंडी में लोगों का रश भी बहुत है। माशाल्लाह जानवर खरीदने के लिए बड़ा प्यारा मौसम बना हुआ है, हवाएं चल रही हैं, गर्मी का बहुत जोर था, आज लगता है गर्मी का जोर जो है टूट गया। बड़े खूबसूरत मनाजर हैं, बादल भी बड़े जोर शोर से आ रहा है और गर्मी का जोर भी टूट गया, ठंडी हवा चल रही है। जी भाई बड़ी आंधी आ चुकी है, आप देख सकते हैं आंधी के मनाजर, हवा बड़ी तेज है, जो तंबू लगाए हुए थे उन्होंने जानवरों के ऊपर ये सारे उड़कर नीचे गिर रहे हैं, मट्टी भी बहुत है, आंधी है सारी आपको नजर आ रही है। ये आप देख सकते हैं व्यूअर मंडी के मनाजर, बादल बड़ी तेज हवाएं चल रही हैं, ये मंडी का मंजर है। ये कसूर मंडी के मंजर है, आप देख सकते हैं हवा चल रही है, बारिश आ रही है, लोगों के जानवर खड़े हुए हैं, बारिश आंधी बहुत तेज है। ये व्यूअर बारिश के बाद मंडी के मंजर हैं, आप देख सकते हैं बादल भी आंख में चोली कर रहे हैं, सारी मंडी में
बारिश की वजह से लाइट बंद हो चुकी है, अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है। सारे लोग अंधेरे के अंदर ही कहीं ना कहीं छुप के बारिश से बैठे हुए हैं। अब बारिश रुक गई है तो लोगों ने बाहर निकलना शुरू कर दिया है। यह आप देख सकते हैं, जब बादल आँख मचोली करते हैं तो आपको कुर्बानी के जानवर नज़र आते हैं, वैसे सारा अंधेरा ही अंधेरा है। बत्ती सारी बंद हो चुकी है, तंबू भी सारे गिर चुके हैं, ये शामियाने लगाए हुए थे आंधी से वो भी सारे गिर चुके हैं, तो जो लाइटें वगैरह लगी हुई थी वो भी सारी गिर चुकी हैं। तो जहाँ मवैशी लोगों ने बांधे हुए हैं वहाँ तकरीबन दो दो तीन तीन फुट के करीब पानी खड़ा हुआ है, तो उनके जानवरों का भी बुरा हाल है। उनका कहना है हमारे जानवर जो हैं बारिश की वजह से उनका रेट अब कम हो जाएगा, क्योंकि बारिश की वजह से जो जानवर हैं भेड़े हैं बकरियाँ हैं जो बकरे हैं ये चारा कम खाते हैं, चारा खाना छोड़ देते हैं, और गीले पट्टे नहीं खाते, गीला चारा नहीं खाते, तो इसलिए और जहाँ हम इनको बांधते हैं बांधे हुए हैं वहाँ भी नीचे इतना इतना ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है, हम इस वजह से बड़े परेशान हैं। तो व्यूअर अब हम चलते हैं, बारिश रुक चुकी है, सारी बारिश हम मंडी के अंदर ही रहे हैं। तो व्यूअर अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन भी दबाएँ, आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो अच्छे अच्छे व्लॉग आपको मिल सकें। अभी दो तीन दिन मंडी में बाकी हैं, हम आपको साथ साथ मंडी के सूटे हाल से आगाह करते रहेंगे। दोबारा मंडी में बाहर ये आप देख सकते हैं हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, कोई लाइटें नहीं जा रही, कहीं कहीं लाइट है जो कि जिन्होंने अपना इंतज़ाम किया हुआ है उस वाले से जो लाइट किसी किसी के पास है, वरना नहीं है। जब ये बादल आकर पानी करता है तो आपको ये पानी नज़र आ रहा है, ये जानवर नज़र आ रहे हैं, बहुत मंडी के खतरनाक हालात हो चुके हैं।